देखिए इस समय हम हैं मेरठ के सिद्धपीठ प्रमुख गोल मंदिर पर, जहां आज नवरात्र के प्रथम दिन किस तरीके से श्रद्धालुओं को अंदर आने के लिए पूरी तरीके से सारा सैनिटाइज और सब कुछ किया गया है, और ये थर्मल स्कैनर और सैनिटाइज़र लेकर बैठे हुए हैं। बिना मास्क के किसी की कोई एंट्री नहीं सुबह से। क्या नाम भैया जी? खुशहाल। अच्छा खुशहाल जी, ये बताइए जैसे पिछली बार से इस बार भीड़ कम है या? हाँ जी, बहुत कम है भीड़ तो। अच्छा, तो जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं उन्हें क्या आपको सबको जो है? हाँ जी, सबको सबकी टेस्ट हो रहा है सबका। आपका नाम? प्रमोद गुप्ता। अच्छा, आप क्या हैं? यहाँ कमेटी में। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि कैसे मतलब इस बार क्या व्यवस्था की है, जैसे कोरोना इतनी भयंकर बढ़ रहा है। एक सेकंड, अब मैं किस सवाल आपसे कर सकता हूँ? आप किस ये बताइए गुप्ता जी कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था जो है कोरोना को लेकर की गई है मंदिर? देखो यहाँ पर कोरोना की वैसे व्यवस्था जो की गई है, एक तो आज से शुरुआत हुई है जी, बाकी कल से ही सब चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, और बाकी हमने ये 1.5 फुट की दूरी पर स्टेप बना रखे हैं। एक बार खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, और ऐसे ही आगे तक मंदिर के ऊपर तक बना रखे हैं, जैसे कि 1.5 गज का रास्ता जो है उन बीच में बना रहे हैं, आदि आपस में ना मिले। अंदर कोई भी आता है जो यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं, उनका वो देख रहे हैं टेम्परेचर कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। बाकी मास्क उनको लगाना है, और अभी तक जितने भी निकले किसी को भी कोई टेम्परेचर का हिसाब किताब नहीं है। मास्क जिनको नहीं लगाया उनको हम वापस भी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से गुप्ता जी ने बताया कि हर किसी को मास्क जरूरी है, और जो भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के लिए भी ये गोले लगाए गए हैं, लाल लाल गोले बनाए गए हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। और वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है मंदिर में।